क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हूज सर्कमफ्रेंस इज whose circumference is 22 meter. Next, the difference between circumference and diameter circumference and diameter of a circular plot is 105 meter, is 105 meter. Find the area of circular plot. Find the area of circular plot. Next, ये क्वेश्चन आप एमसीक्यू के लिए अच्छा वाला मानेंगे, छोटा है अच्छा है जो आप लिखवा रहे हो वो वाला. If perimeter and area if perimeter and area of a circle are numerically equal, then find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Next question. A blacksmith bent a steel wire. A blacksmith bent a steel wire, comma, in the form of square. In the form of square, comma, encloses an area of encloses an area of 121 centimeter square, comma, I'm sorry, full stop, the same wire is now bent in the in the form of a circle. Find the area of the circle. Next, two circles touch externally, full stop, sum of SUM, पता चला SOM ही हो जाए इसलिए बताना पड़ता है, it is SUM, sum of their areas is sum of their areas is 130 pi centimeter square. Area में pi है, 130 pi centimeter square. And the distance between their centers is
14 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, बस ये लास्ट. टू सर्कल्स टच इंटरनली. ऊपर वाले में एक्सटर्नली वर्ड दिया था, अभी वाले में इंटरनली. फुल स्टॉप. सम ऑफ देयर एरियाज इज one one six. Pi centimeter square and distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circles. अभी अपन लोगों ने कोई फॉर्मूला चेंज नहीं किया. जो अपन लोगों ने कल पढ़ा था कि लाइक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होगा 2πr और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा पाई आर स्क्वायर. इन्हीं दो फॉर्मूले को लेके हम आज भी चल रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल. तो पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सर्कमफ्रेंस क्या, एरिया क्या, उसके बाद अपन सेक्टर वगैरह वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे. तो इससे रिलेटेड आज अपन ये सब खत्म करेंगे. पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, सर्कुलर पार्क हूज सर्कमफ्रेंस इज 22. सर्कमफ्रेंस हमें 22 दे रखा है. अभी सॉल्व करना चालू मत करिए, मैं हिंट दे देते हो. इससे आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू. जब आर की वैल्यू मिल जाए तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. लिखेंगे अपन कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज 105. ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया. अब ये तो मालूम है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी मुझे आर की वैल्यू चाहिए. अब आर की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो सर्कमफ्रेंस इज 2 बाय आर और डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ आर. या आप चेंज कर सकते हो कि 2 आर की जगह डी ले लो, यहाँ पे भी डी ले लो. उस केस में आपको डायमीटर मिलेगा, फिर आप उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा. यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिया सर्कमफ्रेंस इज 2 बाय आर एंड डायमीटर इज 2 आर विच इज इक्वल टू 105. 2r कॉमन अंदर बचा, 5 - 1 विच इज इक्वल टू 105. सॉल्व करोगे r की वैल्यू मिलेगी. उस r की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करोगे, आपको मिलेगा एरिया. ठीक, आगे चलते हैं. थर्ड आपको बोला है पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल. ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला. क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बोला पेरीमीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल. पेरीमीटर, पेरीमीटर पूरा सर्कल लिखना है एंड एरिया. सर्कल ही वर्ड दिया है, सेमी सर्कल वर्ड नहीं है. तो पेरीमीटर इज सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया. अब इससे आपको जो भी काटा पीटी करनी है वो काटा पीटी कर लो. यही काटा पीटी करोगे आर का आंसर यही के यही आ जाएगा. फालतू मेहनत भी नहीं करनी, खत्म. नहीं, एज इट इज आ जाएगा. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा कि सर आंसर मैं नहीं दे दूंगी, ये लो चाहिए तो ये लो. कि वही बात, पाए और पाए कट हो गया, आर और आर कट हो गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया. नहीं देना था मुझे आंसर, इसलिए नहीं भूल रही. कुछ तो अपने आप भी लिखोगे. क्वेश्चन नंबर 4 दिया ब्लैक स्मिथ वाला.
A blacksmith bent a steel wire in the form of square. पहले स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया हमें दे रखा है 121. एरिया होता है a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121. इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी a की. जब a की वैल्यू मिल जाए तो अब बोला जा रहा है कि ये जो स्क्वायर है इट इज कन्वर्टेड इनटू. कल समझाया था कि जब दो शेप चेंज होते हैं टू डायमेंशनल वाले में तो क्या सेम रहता है. सर्कमफेरेंस पेरीमीटर. तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a. ये हमने ढूंढ लिया. इट इज 4a विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इज 2πr. इससे हमें क्या मिलेगा. अरे क्या मिलेगा. आर मिल जाएगा. हमें ढूंढना क्या है. एरिया. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. चार चालू करिए उसके बाद दो बताती हूँ. इस वाले में हम लोग पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7. डायरेक्ट ही कर रहे हो. ये 22 कट हो गया. 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा. आर इज इक्वल टू 7/2. 3.5 में मैं कन्वर्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे रेडियस नहीं ढूंढना है. डायरेक्ट एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. इजी गोइंग हमारा कंप्लीट होगा. 77/2 उसको जब आप काटा पीटी करोगे कितना आंसर आया. 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद सेकेंड वाला. इसमें कैलकुलेशन बहुत है. सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि सर्कमफेरेंस माइनस डायमीटर इज इक्वल टू 105. इस पूरे को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं. तो इट इज 2r इनटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 105. एलसीएम ले लेंगे. नीचे 7 आ गया. 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 105. R into 22 minus 7 कितना बचा. 15 upon 7 is equal to 105. 7 को ऊपर भेजिए 15 को नीचे भेजिए. It is 2R is equal to 105 into 7 upon 15. उसके बाद ये 2 को भी नीचे भेज दो. 5 3 are 15, 5 2 are 10 और 1 3 7 are 21. R is equal to 49/2. हमें ढूंढना क्या है. एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2. यहाँ पे 11, यहाँ पे 7. ताकि आपका मल्टीप्लीकेशन इजी आपको करना हो तो 11 इंटू 49 पहले कर लो उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 7 करो. 77 इंटू 49 करने जाओगे काफी लंबा हो जाएगा. तो बेटर है कि 11 इंटू 49. तो 11 9 सा 99 कैरी 9. 11 4 सा 44. 44 प्लस 9 53. 539 इंटू 7 अपॉन 2. तो वो इजी गोइंग 7 के टेबल और उन सब चीजों से हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा. आंसर इज 1886.5 मीटर स्क्वायर. ठीक. जिसने भी नहीं किया है वो आप कंप्लीट कर लीजिए. ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया. 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. आंसर आर इज इक्वल टू 2 यूनिट. एक्चुअली उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है हमें. ना सेंटीमीटर लिखा है ना मीटर लिखा है. तो उसके आगे हम लोग वर्ड खाली डालेंगे. आर इज इक्वल टू 2 और आगे लिखिए यूनिट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एरिया is equal to 121, a square is equal to 121, a is equal to root of 121, that is a is equal to 11. Up 4 into 11 is equal to 2 into 22/7 into r. 7 ऊपर भेज दीजिए. 4 into 11 into 7 upon 2 into 22. 11 2s are r is equal to 7. क्या ढूंढना है.
एरिया एरिया इज इक्वल टू पाई पाई आर स्क्वायर, तो 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7 आंसर इज 154 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली हम लोगों ने ये दिखा दिया, एक का रेडियस हमारे पास हो गया आर वन, तो दूसरे का रेडियस हो गया आर टू। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 135 पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 135। पाई कॉमन निकालिए, अंदर बचा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ये पाई पाई कट हो गया, हमारे पास रिलेशन बची आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 130, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड बोला है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 14, यानी आर वन प्लस आर टू की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आर वन और आर टू, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब अपन इसको ले लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, 14 इंटू 14 इट इज 196। अब आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर की वैल्यू है 130, तो पुट 1 इन 2, यहां पर हो जाएगा 130 प्लस 2